नमस्कार दोस्तों और बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, सेहत के नज़रिए से देखें तो काली मिर्च बेहद लाजवाब है। सही मात्रा में इसकी सेवन करने से सर्दी, जुकाम और हाजमा ठीक रहता है। साथ ही मांसपेशियों में अगर दर्द है तो काली मिर्च में को खाने से बहुत लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार इसके अलावा भी काली मिर्च के बहुत सारे टोटके किए जाते हैं, उपाय किए जाते हैं। ज्योतिष में काली मिर्च का भी बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम काली मिर्च के कुछ ऐसे आसान से टोटके बताएंगे कि जिससे जीवन में अगर परेशानियां आ रही हैं तो वो दूर होती है। जीवन में अगर धन से जुड़ी हुई परेशानियां आ रही हैं तो वो भी दूर हो जाती है। जीवन में अगर किसी व्यक्ति को नज़र लगी है, चाहे किसी व्यक्ति के घर में नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मकता फैली हुई है, तो वो भी काली मिर्च से दूर हो जाते हैं। अगर बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप काली मिर्च का टोटका भी करें, इससे बच्चों को पढ़ाई में भी मन लगने लगता है। बहुत सारे इसके उपाय दिए गए हैं, उनमें से कुछ उपायों को आपके सामने शेयर करूंगी। आप इसे ज़रूर आजमा के देखें, ये बहुत ही कारगर उपाय है। और इसे अगर आप करते हैं और अपने पूरे मन से करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप जाने मैं कौन, मैं नीतू, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टा फॉलो करना चाहते हैं तो मैं इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं काली मिर्च के चमत्कारी उपाय। यदि आपके घर में धन से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, आप चाहते हैं कि मुझे धन लाभ हो, कि मेहनत किए जा रहे हैं, धन की बरकत नहीं हो रही है, धन लाभ नहीं हो रहा है, तो ये उपाय काली मिर्च का आप जरूर करके देखें। आपको 5 काली मिर्च लेनी है और आपको पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर के अपने ऊपर से 7 बार वार करके, क्लॉकवाइज वार करके आपको चारों दिशाओं में एक एक काली मिर्च को फेंक देनी है। और एक काली मिर्च जो बचेगी उसे आपको ऊपर की ओर उछालते हुए, आपको अपनी कामना बोलते हुए, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको अपने रास्ते चले आना है। ऐसा आप करके देखें और हो सके तो ये अमावस्या के दिन करें, पूर्णिमा के दिन करें। अच्छे दिनों में अगर आप करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है। और अगर चाहें तो आप किसी भी व्रत त्यौहार के दिन भी कर सकते हैं। तो आप इसे करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ खास ऐसे दिन होते हैं कि उसमें अगर आप करते हैं, एकादशी के दिन करते हैं, शनिवार के दिन करते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में शनि के कारण आपके जीवन में कष्ट है, आपको लग रहा है कि शनि का आपके ऊपर दुष्प्रभाव है, तो आप काली मिर्च का ये उपाय जरूर कर लें। आपको काली मिर्च के लेना है, थोड़ा सा काली मिर्च लेना है, ये आपको शनिवार के दिन करना है। आपको एक काला रंग का कपड़ा लेना है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च रखनी है और उसमें 11 रुपये रखना है और उसे एक पोटली जैसा बना करके आप इसे किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दे सकते हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है और वो दान नहीं ले रहा है तो आप इसे पीपल के वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं, चाहे आप हनुमान मंदिर में भी रख सकते हैं, चाहे आप कहीं भी ऐसे जगह रखें, किसी पेड़ के नीचे भी रख दें। इससे आपकी ज़िंदगी से शनि की परेशानी दूर हो जाएगी। काली मिर्च के तीसरा उपाय के बारे में मैं बताती हूँ। अगर आपको लग रहा है जैसे कि आपके पीछे दुश्मन हाथ धो करके पड़ गया है, बेवजह के आपके पीछे दुश्मन लग जा रहे हैं,
तो आप एक उपाय जरूर कर ले, काली मिर्च के अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय करना है। आपको काली मिर्च के कुछ दाने लेना है अपने हाथों में और उसे लेकर के इस मंत्र को बोलना है, ओम क्लीम इस मंत्र को बोलना है। और इस मंत्र को बोलते हुए अपने परिवार के सारे सदस्यों के ऊपर से आपको घुमाते हुए, सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर से अपना घुमा करके आपको इसे दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देनी है। ऐसा करने से आपके जो भी दुश्मन होंगे वो शांत हो जाएंगे। आपके जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं वो परेशान करना आपको बंद कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी भी काम के लिए आप जाते हैं और आपका काम नहीं बनता है, आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, आपके काम में रुकावट आ रही है, तो आप काली मिर्च का ये उपाय जरूर करके देखें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आपको क्या करना है, आपको काली मिर्च के कुछ दाने, 7 दाने ले लें या 5 दाने ले लें, और आप जब किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट काम है, जो आपके काम नहीं हो पा रहे हैं उस काम के लिए जा रहे हैं, तो इसे अपने मेन दरवाजे पे जहाँ से आप निकल कर बाहर जाएंगे वहाँ पर आपको रख देनी है। इसे आपको दाहिनी साइड में रखनी है। उसके बाद आपको पैर से कुचलते हुए, लेडीज बाएं पैर से कुचले और जेंट्स दाहिने पैर से कुचलते हुए बाहर की तरफ अपने काम के लिए निकल जाए। अपने जो भी यात्रा है आप उसके लिए निकल जाए। आपका जो काम बनते बनते रुक जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, वो देखिएगा कि आपका काम बन जाएगा और आपके जो भी रुके काम हैं वो होने लगेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी की नज़र लग गई है, चाहे आपके परिवार में किसी की भी नज़र लगी है, तो आपको क्या करना है, 7 या 8 काली मिर्च के दाने लेनी है। अब आपको इसे किसी भी अपने घर के कोने में, आप किसी भी बर्तन में रख ले, मिट्टी के बर्तन में रख ले, चाहे किसी भी बर्तन में रख करके अपने घर के किसी कोने में आपको कपूर की टिक्की एक डाल दें और उस काली मिर्च को जला दें। ऐसा करने से आपके घर में किसी को भी नज़र लगी है तो वो नज़र हट जाएगी, उतर जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में पैसों से जुड़ी हुई परेशानियां आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको 5 ग्राम हींग लेना है, 5 कपूर की टिक्की लेना है और 6 काली मिर्च लेनी है। अब आपको उसे क्या करने हैं, काली मिर्च को आप ऐसे करके बुक पीस ले और कपूर को भी पाउडर बना ले और आपको जो हींग है उसको में मिला करके, आपको उसकी छोटी छोटी पानी थोड़ा सा मिला करके आपको उसको छोटी छोटी सी लुई, छोटी छोटी सी गोली जैसा बना लेनी है। अब इस गोली को आपको, इस दाने को आपको रोजाना सुबह शाम आपको जलाना है। इससे आपको जो भी आर्थिक परेशानियां हो रही होंगी वो दूर हो जाएगी। आपके घर में जिसकी भी कुदृष्टि पड़ी है वो सभी खत्म हो जाएगी। अगर आप छोटी छोटी गोलियां नहीं बना सकते हैं तो पाउडर जैसा भी ले सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो छोटे छोटे सा गोली बना लें और उसको आपको रोज सुबह शाम आपको इसे जलाना है। इसे जलाने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति आपकी सुधरने लगेगी, पैसों से जुड़ी अगर परेशानियां आ रही हैं तो वो दूर होने लगेगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी की भी कुदृष्टि पड़ी हुई है तो वो भी दूर भाग जाएगी। आप इन सब उपायों को करके देखें। ये काली मिर्च सुनने में छोटा सा है, सभी के घर के किचन में रहता है, इसमें कोई खर्च नहीं है। हम सभी अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ें करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ उपाय भी कर लेने से जीवन सुकून से, चैन से बीतता है। जय माता।